सरकार ने उद्योगों को राहत पैकेज तो दे दिया और प्रशासन से फैक्ट्रियों को शुरू करने की अनुमति भी मिल गई। मगर कच्चे माल व कामगारों की कमी के चलते उत्पादन शुरू होने में कठिनाइयां आ रही है। लंबे समय से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को जब घर वापसी का मौका मिला तो वह निकल गए। अब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए दोगुनी मजदूरी देने के बाद भी मजदूर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। वहीं आवक न होने से जहां कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, वहीं अगर किसी तरह उत्पादन कर भी लिया जाता है तो उद्यमियों को खपत का डर सता रहा है। आलम यह है कि नए ऑर्डर तो मिल ही नहीं रहे हैं, पुराने ऑर्डर भी रद्द हो गए हैं। यही कारण है कि नगर में 90 रिम घुराव व इनमें काम आने वाले अन्य उपकरणों की फैक्ट्रियां हैं। इनमें से अभी तक आधी इकाइयां भी नहीं चल पाई है। जो चल रही है उनकी हालत भी खस्ता है। हालात ये है कि जो माल है उसका उठान नहीं होने से व्यापारियों को हर दिन नुकसान हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आगे फैक्ट्रियों को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में माल तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यह कहां जाएगा, इसकी भरपाई कैसे होगी। वहीं हकीकत यह भी है कि व्यापारी फैक्ट्री चलाने से डरने लगे हैं, क्योंकि हर दिन नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। मेरा नाम राजकुमार जैन है। हमारी फैक्ट्री का नाम जैनसन इंडस्ट्रीज़ है और हमारे को सबसे दिक्कत कम लेबर में काम करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली। कोई बैंक का भी आज कम नहीं हुआ हमारे लिए और रॉ मटेरियल भी थोड़ी परेशानी से ही मिल रहे हैं और मार्केट में बस मंदी का दौर है बहुत ज़्यादा। आपकी फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट होते हैं? हमारी फैक्ट्री में ये बैलगाड़ी के एक्सल व्हील बनते हैं, थ्रेसर में भी लगते हैं ये, और बस यही हमारा लघु उद्योग है। जी, मेरा नाम प्रमोद जैन है। मैं बड़ौत चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जनरल सेक्रेटरी हूं और बड़ौत में हमारी रिम धुरे बनाने की फैक्ट्री है। हम लोग रिम धुरे काम बनाने का काम करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस समय रॉ मटेरियल की बड़ी समस्या बन रही है, माल बेचने की समस्या बन रही है। लॉकडाउन में दो महीने फैक्ट्रियां बंद रही हैं, काम चल नहीं पाए। लेबर की समस्या है, लेबर की अपनी बहुत समस्या बाहर से आने वाले हैं, सब दिक्कतें उठानी पड़ी। लेबर की वजह से भी हम लोगों को बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या रॉ मटेरियल की है। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है, बाहर से नहीं आ पा रहा। दूसरी बात, फिनिश गुड जो बना रहे हैं वो भी जा पा नहीं पा रहा। पेमेंट की बड़ी समस्या है। उधर चारों तरफ बैंक बंद हो गए, अब दुनिया भर की समस्याएं हैं। व्यापारी को चारों तरफ से दिक्कत सामना करना पड़ा। मेरा नाम कपिल पवार है। मेरी फैक्ट्री कपिल एग्रो सेंटर है। लॉकडाउन में जी काफ़ी नुकसान हुए। जो स्टॉक में माल थे वो उनके रेट कट गए, जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए। लेबर की समस्या बहुत आई, लेबर अब भी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। जो बाहर की लेबर है वो नहीं आ पा रही यहाँ पे। कच्चे माल पीछे से मिल नहीं रहे हैं, जो नहीं मिल रहे उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। काफ़ी माल आगरा से आया हुआ है तो आगरा में ज़्यादा केसेस थे, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो है माल की सप्लाई नहीं हो पा रही प्रॉपर रूप से। आपकी फैक्ट्री में क्या बनता है? एक्सल बनते हैं जी, ट्रॉली के एक्सल बनाते हैं हम धुरे। सरकार की तरफ से कोई जी कोई पैकेज आया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना कुछ हमें उसमें कुछ मिलने के आसार लग रहे हैं।